किस्मती से ऊंट को किसी ने कहा कि आपकी गर्दन टेढ़ी है, तो ऊंट ने कहा कि आप अपनी आंखें काए, मेरी कौन सी आजा सीधी है, मैं तो सारा टेढ़ा वेढ़ा हूं। अगर देखा जाए जो भी कारकर्दगी देख ले, चाहे टिड्डी दल के हवाले से हो, चाहे आपके मेंस एंड मिनरल के हवाले से हो, चाहे बलूचिस्तान में जिस भी हवाले से हो, वो सारा सिस्टम एक तरफा तौर पे चल रहा है। हम अपोजिशन वाले खुशफहमी में मुबतला है बार बार, ये हम आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं और बारहा आपसे कह भी रहे हैं कि आप कमेटी बनाए, हमें कमेटियों में ले लें ताकि बलूचिस्तान का सिस्टम सही रुख इख्तियार कर जाए। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे जो हुकूमती बेंचेस पे बैठे हुए साथी हैं वो यही बलूचिस्तान के बाशिंदे हैं, वो अपोजिशन वालों को इस निगाह से देखते हैं कि आपका बलूचिस्तान के मामलात से कोई सरोकार ही नहीं, चूँकि आपकी जिम्मेदारी नहीं है। लिहाजा मुंतखब तो सब वो के आए हैं। जब एक बार फ्लड का मसला हुआ तो फ्लड के हवाले से सारा कुछ जो है कमेटियाँ बन के कि आप जाके सर्वे कर ले, देख ले और रिपोर्ट पेश करें। यहाँ इसी फ्लोर पे मैंने आवाज़ उठाई कि फ्लड के हवाले से नुकसानात हो चुके हैं, कमेटी बनाए, कमेटी में वही सी इलाके के लोगों को शामिल करें ताकि आपको सही रिपोर्ट दे सके। लेकिन यहाँ पे हमारे एक मोजज रुक ने कहा कि हम सर्वे कर चुके हैं, हालांकि उसने देखा तक भी नहीं था, आज तक वो मामलात वैसे के वैसे पड़े। एक दूसरी बात, जो ट्रेडिशनल के हवाले से जो मसला चल पड़ा, अपोजिशन वालों ने बहुत पहले इसकी निशानदेही कर ली कि इसके रोकथाम के लिए एकदम उठाया जाए। आज तोड़े है, कल ज़्यादा हो जाएंगे, ये बचे देंगे, लेकिन नज़रअंदाज किया गया, मजाक उड़ाया गया कि अपोजिशन वाले एक बात बनाते हैं कि हम किस बात पे या मौजू चीड़ के असम्बली फ्लोर पे बात करें। लेकिन जब टिड्डी दल ने जोर पकड़ लिया, फिर जब दवाइयों का मसला हुआ, यहाँ पे फंड रखा गया, किसी को ये पता नहीं कि कितने फंड रखी गई, कहाँ दिया गया, दवाइयाँ किधर दी गई। हमारे इलाके में आया तो जमींदार लोग हैं, हमारा पूरा इलाका अंगूर और बागात के सेब और सेब के बागात है, लेकिन वहाँ पे जब मैंने राबिता किया तो उन्होंने कहा कि दल ने तो हमें हमारे जो कच्चा फसला जब उसको कह रहे टमाटर है या वहाँ खरबूजे है तरबूजे है, ये तो सारे हमारे फसलात खा चुके हैं तरीदा। जब मैंने राबिता किया बोला कि दवाई का कोई यहाँ पे बंदोबस्त नहीं है। फिर सुना कि भाई डीसी के पास है, डीसी से राबिता किया, उसने कहा कि मैंने अपनी टीम भेज दी है। मैंने कहा कि गुलिस्तान का दौरा कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है वहां पे। और रिपोर्ट मुझे ये मिला, डीसी ने कहा कि वहां पे तो कोई टेडी वेडी नहीं है। मैंने कहा कि आपने भेजा कौन है, कैसे भेजा, जब वहां पे टेडी दल पहुंच ही चुके, सारे लोग फेसबुक पे चला रहे हैं, वहां गोल के गोल चल रहे हैं, सैलाब पर सैलाब चल रही है, लेकिन आप कहते हैं कि वहां टेडी दल है ही नहीं। फिर उन्होंने कहा कि आप अपना एक बंदा मुझे मुतारुफ कराए, टेलीफोन दे, मैं उसके साथ राबिता करता हूँ। हमने उसको पेशकश कर दी कि भाई इतना कर दो, इन जमींदारों को दवाई दो, टिड्डी दल जिस रास्ते पे आए हैं वही उसको आगे जाके उसको रोक देंगे, क्योंकि हमारे जमींदारों के पास ट्रैक्टर और टैंकियाँ हैं और पंप है, दवाई आप दे, काम वो करे, सारे टिड्डी दल जो इधर से उधर नहीं जाएंगे, ये वो रोक के इसको मार देंगे। लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब बात रही इस बात की, पता नहीं क्यों ये सियासत की नज़र हो रहे हैं, क्या कोई एक सियासी पार्टी को इससे नुकसान हो रहा है, क्या कोई एक फर्द को इससे नुकसान हो रहा है, क्या कोई एक इलाके को इससे नुकसान हो रहा है, ये तो पूरे इलाके के नुकसान है, पूरे बलूचिस्तान के नुकसान है, बल्कि ये पहल के पूरे पाकिस्तान के नुकसान है।
यही सिलसिला रहा। और दूसरी बात ये कि हमारे मुअज़्ज़ज़ अराकीन ने सिंधक पे भी जो है कुछ गुजारिशात कर दी कि इसका जो एग्रीमेंट है वो गैर कानूनी तौर पे मेंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट ने एक्सटेंड कर दिए 15 साल के लिए। क्या बलूचिस्तान गवर्नमेंट के पास सिर्फ इतना ही इख्तियार है कि वो एक कागज़ आके उस पर साइन कर दे कि ठीक है 15 साल के लिए है। इससे पहले जब 18 अमेंडमेंट आ गई उसमें तो ये सिंधक प्रोजेक्ट जो है वो बलूचिस्तान के हवाले की गई और चाइना की एग्रीमेंट पूरी थी। उस वक्त बलूचिस्तान के पास वाकियातन वसाइल नहीं थे कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट उसको लेते और फिर उसको दोबारा चाइना को दे दिया। अब जब एग्रीमेंट पूरा हुआ फिर क्यों क्या तुक बनता है वापस चाइना को 15 साल के लिए देने की? क्या हम गैर जरूरी चीजों में पड़ते हैं? जो बलूचिस्तान के लिए बात करते हैं उसको शायद मेरे ख्याल में एक इस्तिलाह है कि वो गद्दार है। जो आवाम के हकूक की बात करते हैं उसके लिए यही इस्तिलाह मौजूद है। लिहाजा मैं ये कहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट पे पूरी तौर पे कमेटी बनाए कि चाइना के हवाले क्यों की गई है और बलूचिस्तान के पास उस वक्त से और बीच में जो दौर गुजर गया उस वक्त का और ये जो मौजूदा दौर है इसमें तो बलूचिस्तान के पास वसाइल है। गैर जरूरी तौर पे लॉ एंड आर्डर के लिए जो खतीर रकम रखी जा रही है क्या इनमें से कुछ नहीं दे सकते ताकि हम सिंधक को खुद संभाले और ये मुनाफा बलूचिस्तान को मिले? दूसरी बात ये बिजली की जो बात हम कर रहे हैं कि सब्सिडी नहीं दी जा रही, क्या बलूचिस्तान इतना कमज़ोर हो चुका है कि हम अपने आवाम को मुफ्त बिजली नहीं दे सकते? हमारे पास ये वसाइल नहीं है। गैर जरूरी प्रोजेक्टों पे जो हम कागज़ों में बना के देते हैं उस पर हम पैसा तो खर्च करते हैं, निकाल के जेबों में ले जाते हैं, लेकिन हम बिजली पे सब्सिडी नहीं देते। हमें दो, मैं बलूचिस्तान पूरे बलूचिस्तान को मुफ्त बिजली दूंगा, लेकिन कोई नहीं सुनता, न कोई अमल दरामद कर रहा है, न कोई इस पर काम कर रहा है। हमें रहने दो, चाहे कोरोना आए, कोरोना पे एक टेबलेट किसी को ना मिले और मैं अपना जेब भर दूँ। एक जेबें भरने के लिए असम्बली नहीं बनी है, ना हम यहाँ पे असम्बलियों में जेबें भरने के लिए आए हैं। हम अवामी नुमाइंदगी करने के लिए आए हैं, चाहे अपोजिशन बेंचेस पे बैठे हैं चाहे हुकूमती बेंचेस पे बैठे हैं। एक दूसरे को वो बलूचिस्तानी अगर समझ जाए तो मेरे ख्याल में फिर बलूचिस्तान का मदावा हो सकता है। लेकिन अगर यही रवेश रही, हुकूमती बेंचेस हमें दुश्मन समझते रहे कि अपोजिशन में बैठे हुए लोग वो हमारे दुश्मन है, लिहाजा ये मेरे ख्याल में दोहरी सोच है। ये बलूचिस्तान के आवाम के लिए, बलूचिस्तान के पब्लिक के लिए ये इंतहाई कमज़ोर और लावारिस सोच है। लिहाजा इन मामलात को मद्देनज़र रखते हुए आप इन्हीं चीज़ों पे पूरी तौर पे अगर रूलिंग दे दें तो मेरे ख्याल में कुछ न कुछ तो हो जाएगा। जेली अद्वियात तो कोई ऐसी बात नहीं है, जेली अद्वियात तो साल से चले आ रहे हैं। ये जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट जो है ये जो ख़रीदे जा रहे हैं ये जाके पंजाब के बड़े बड़े अस्पतालों से एक्सपायर जो गोदामों में उन्होंने फेंके हैं, यहाँ से खतीर रकम रह के वहाँ पे जो है वो कार्टन में बंद करके इधर भेज देते हैं कि हमने ले लिया 10,000 का, यहाँ जो है 10 करोड़ का हमने लिख के दे दिया। पैसा बलूचिस्तान का कबाड़ खाने से माल उठा के इधर ले आता है, फिर कहते हैं कि एक्सपायर माल हमें मिला है। एक्सपायर माल तो आप जानबूझ के उठा के ला रहे हैं और फिर मौके में जाम साहब तो इधर आता ही नहीं है। जाम साहब को कौन पूछे, वो तो ट्विटर पे गवर्नमेंट को चला रहे हैं। कोई 70 ग्रुप मेरे ख्याल में उसके साथ है व्हाट्सएप पे। जब एक वजीर आला 70 ग्रुप व्हाट्सएप पे चला रहे हों और गवर्नमेंट ट्विटर पे चला रहा हो तो मेरे ख्याल में बलूचिस्तान का खुदा है ऑफिस जहाजान बचेरा क्या कर सकता है? जिधर भी भागे काम करना चाहता है।
काम करना चाहता है लेकिन उसके हाथ रोक दिए जाते हैं। अजहर खान बेचारा क्या करे, काम करना चाहता है लेकिन उसके हाथ रोक दिए जाते हैं। बात यह है, या तो इस बर्डन से निकले, बलूचिस्तानी बन के निकले, बलूचिस्तान के लिए काम करे। यह नहीं है कि एक ट्विटर पे सबके हाथ मुंह बांध के कि आपने कुछ नहीं करना है, जो कुछ मैं कहता हूँ मैं आलिन हाल हूँ, चूंकि मुझे भी हिदायत मिल रही है।